सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक प्याज फेंकने की खबरों ने बाजार को गर्म किया, लेकिन अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में एक्सपोर्ट के चलते प्याज के भाव सुधरे और किसानों के चेहरे पर खुशी छलक आई। अब जब एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी तो फिर प्याज के दाम गिर गए और किसान फिर प्याज के आंसू बहा रहे। दरअसल कृषि उपज मंडी उज्जैन से मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में अवकाश के चलते केवल दो दिन मंडी खुली और इन दो दिनों में 21,019 क्विंटल प्याज की आवक रही, लेकिन भाव केवल 1450 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिले और इसके बाद दूसरे सप्ताह में प्याज के दाम 2,350 रुपए प्रति क्विंटल हो गए, जिस दौरान 49,788 क्विंटल आवक रही। अक्टूबर महीने के तीसरे सप्ताह में तीन दिन मंडी लगी, जिन दिनों में 47,746 क्विंटल आवक के साथ प्याज के भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए। इसी महीने के अंतिम सप्ताह मतलब 23 से 31 अक्टूबर के बीच तीन दिन की मंडी में 27,246 क्विंटल आवक हुई और भाव 2,351 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आपको बता दें कि इसके बाद प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे इसके दाम फिर से ढेर हो गए और नवंबर के पांच दिनों में अधिकतम दाम 1,705 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि भारत के नजदीक वाले इस्लामिक देशों में प्याज की खपत ज्यादा रहती है, जहां से इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी से स्थानीय बाजारों में एक बार फिर से मंदा देखने को मिल रहा है। वहीं मंडी सचिव उमेश भसेड़िया का कहना है कि चार दिन से प्याज का एक्सपोर्ट फिर से शुरू हो गया है और इससे प्याज किसानों को ऊंचे भाव की फिलहाल उम्मीद जाग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।